हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आई एम वेरी श्योर कि बच्चों को मिलके आपको बहुत खुशी होगी और उनको भी आपको मिलके बहुत खुशी होगी। एक्चुअली क्या है मिस्टर मुकुंद, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, थोड़े शरारती है लेकिन बेचारे मासूम है। एक बार आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी ना, फिर तो आप उनको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। आवाज सुन रहे ना शैतानों का? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक खबर लाया हूँ। आपके क्लास टीचर मिस्टर रवि 2 हफ्तों के लिए स्कूल में नहीं आएंगे। सर, क्या उनका पेट खराब है? नहीं, उनका दिमाग खराब है। एक्चुअली पेट खराब हो भी सकता है, अभी बॉडी है, पेट है, कुछ भी खराब हो सकता है। देखा, ये तरीका है बच्चों से दोस्ती करने का, ये डेमो आपके लिए था। ओके, तो रवि सर के बदले में आपको एक ब्रांड न्यू सर पढ़ाएंगे जिनका नाम है मुकुंद। मुकुंद सर पढ़ाएंगे। नहीं सर, हमें रवि सर ही चाहिए। रवि सर, रवि सर, रवि सर, रवि सर, रवि सर। अब तुम्हारे हवाले ये शैतान मुकुंद सर। ऑल द बेस्ट, बैटिंग करो। कहां फंसा दिया इसी सर ने मुझे। इस एक्सीडेंट के केस के लिए आपने हमें यहां बुलाया? नहीं सर, मैं उस गाड़ी के ड्राइवर को दिखाना चाहता हूं, उसके चेहरे को। पलटा इसे, कोई बेरुपिया लग रहा है। ये तो राजा है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। ढूंढो गाड़ी को अच्छी तरह से, इसे भी चेक करो, देखो इसके कपड़े में कुछ मिलता है क्या। सर, सर, चाबी मिली थी। होटल गैलेक्सी स्टार, ये तो होटल के कमरे की चाबी है। कहीं ये राजा इस होटल गैलेक्सी स्टार में तो नहीं ठहरा? सर, हाँ? सर, ये 8वीं क्लास की केमिस्ट्री की बुक मिली है। 8वीं क्लास की केमिस्ट्री की बुक? My God, सर, हाँ, ये देखिए सर, रुपयों से भरा बैग मिला सर। मैं कहा था ना, जरूर ये पैसे किसी को मारने के लिए लिए इस राजा ने। होटल गैलेक्सी स्टार। सर, मुझे पता नहीं था कि आदमी गुनहगार है। मैंने उसके सारे एड्रेस प्रूफ चेक किए थे और उसने दिए भी थे। तुमने वो सारे प्रूफ ठीक से चेक नहीं किए, जाली थे वो पेपर, समझे? जाली थे सर। कुछ भी नहीं कमरे में, पूरी तरह से खाली है कमरा, यहाँ तक कि कपड़े लत्ते सब गायब हैं। सर, बाहर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं सर, यही लग रहा था, यही होगा। ऐसे लोग हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते सचिन। एक बात बताओ, राजा ने कमरा बुक कब किया था और कैसे किया था? सर, कमरा राजा ने बुक नहीं किए थे सर, कमरा राजा के दोस्त विकी ने बुक किया था और दोनों कमरा साथ में बुक किया था, 305 और 306। 305 और 306? विकी, कमरे का पेमेंट कैसे किया था?
कैश से या क्रेडिट कार्ड से? सर पेमेंट तो कैश किया था। कैश? अच्छा कैश। 306 की चाबी है तुम्हारे पास? सर 305 और 306 दोनों कमरा कनेक्टेड है और उसका दरवाजा इस तरफ है। ये पहले क्यों नहीं बताया? इस कमरे का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। ये देखिए सर, गन मिली है। सर आप, सर ये बेड के नीचे ये फाइल मिली। ये तो ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल के फोटोग्राफ्स हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन सर विकी ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल की फोटो इस फाइल में डाल के गद्दे के नीचे क्यों रखेगा? विकी, विकी ना सर, ये विकी है। ए विकी रुको, पकड़ो उसे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हेलो एम्बुलेंस, केपी रोड पे आ जाइए। विकी, बोलो विकी। विकी किसके लिए काम कर रहे हो तुम? हाँ कौन है तुम्हारे साथी? राजा। हाँ बता। तो ये कैसे पता चलेगा कि राजा किसे मारना चाहता था और ये करने के लिए उसे पैसे किसने दिए थे? सचिन, जिसने भी पैसे दिए थे ना, वो फिर से कोशिश करेगा उस आदमी को मारने की। पर सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी कौन? श्रेया, जिसे भी ये लोग मारना चाहते हैं ना, उसका जरूर कोई ना कोई संबंध है ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल के साथ। Yes, what can I do for you? वो एसीपी प्रद्युमन का लेटर लाए हैं वहाँ के लिए। ओह, एसीपी प्रद्युमन मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वैसे इतना पुराना भी नहीं है। उसको पता चलेगा, बोलेगा मैंने उसका एज लीक आउट कर दिया। सीनियर इंस्पेक्टर दया, सीआईडी इन माय कैबिन, प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यू सर। सर ये बात हम दोनों के बीच रहना चाहिए प्लीज। यस सर, लिप्स आर सील्ड। और वैसे राज को राज रखने में मैं माहिर हूं, लेकिन एक बात मुझे सता रही है, हमारे स्कूल के बच्चे, इनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? वैसे अभी तक कोई पक्की खबर तो नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ ये पता करने आया हूँ कि कोई क्रिमिनल भेस बदल कर यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। क्या आप मुझे यहाँ टीचर की नौकरी में रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। वैसे कल ही मिस्टर रवि, हमारे केमिस्ट्री टीचर, मेरी डेस्क पे एक लीव नोट छोड़ के गए, स्टेटिंग दैट उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और उनके बजाय एक, हाँ मिस्टर संजय है वो काम करेंगे।
लेकिन वो तो आए नहीं है, ये देखिए। ये तो राजा है, वही कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसकी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई। मुझे एसीपी सर को इन्फॉर्म करना होगा, रवि ने स्कूल में इस खतरनाक क्रिमिनल के लिए जगह क्यों बनाई? शायद इसमें रवि भी शामिल हो। दया सर कहाँ खो गए आप? देखिए मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर रवि के बदले में टीचर की नौकरी दे सकता हूँ। आप क्लास 3B के क्लास टीचर होंगे, आपको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह से आप पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और आप अपनी तहकीकात भी आराम से कर पाएंगे। है ना मेरा कमाल का आइडिया है? हाँ ठीक है, आइए मैं आपको दूसरे टीचर्स से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, चलिए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ? हाँ वो मिस्टर रवि है ना, अचानक छुट्टी पे चले गए, उनकी जगह पे ये आए। मुकुंद मुकुंद, बच्चों केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री टीचर? क्या आपने किसी स्कूल में इसके पहले केमिस्ट्री पढ़ाई है? केमिस्ट्री में तो मैंने अभी अभी मास्टर्स डिग्री पूरी की है, लेकिन ये मेरी पहली जॉब नहीं है। ओह आई सी, इसका मतलब अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब दे देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? मिस्टर शेखर रिलैक्स, इंटरव्यू लेना मेरा काम है और मैं ले चुका हूँ, इन्हें सब पता है। चलिए मुकुंद सर, मैं आपको क्लास 3 सेक्शन B में ले चलता हूँ बच्चों से मिलवाने के लिए। बड़ी खुशी होगी आपको उनसे मिलके। आइए, ओके कैरी ऑन। नमस्ते। सर इस रवि ने ही कुछ किया है, इसीलिए उसने अपनी जगह पे राजा को भेजा था। रेडी इसीलिए रवि के घर आए, ढूंढो उसको। सर रवि, माय गॉड, हम तो सोच रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर के हाथों बिक गया है, उनका साथी हो गया है, मगर यहाँ तो किसी ने इसका खून कर दिया। सर इसके चेहरे और हाथों पे खरोंच के निशान है, मगर सर इस रवि के खून के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह जो भी है पूर्वी, उस बोर्डिंग स्कूल से ही जुड़ी हुई है। आप टीचर हो ही नहीं सकते, आप कितने लंबे हो, आपको देखने के लिए तो यू ऊपर देखना पड़ेगा, गला दर्द करेगा ना। मैं अपना भेष बदल सकता हूँ लेकिन अपनी हाइट को तो नहीं बदल सकता ना। अरे साइलेंस बच्चों, साइलेंस। मुकुंद सर, मेरा मतलब दया, तुमने बड़े बड़े गुंडों को संभाला है, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनका दिल जीत सकते हो? फोकस फोकस। जादू कर रहा हूं ना, बहुत पसीना आ रहा है। अब यहां देखो, क्या
लाश को बाहर देख लिया, मगर ये कुछ अलग ही तरीके की लाश है। हाँ अरे ये क्या हुआ? बाहर जाओ पहले। लेकिन सर वो बात क्या है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम हैजमेट सूट पहन के आ जाओ। एक एक लेकिन डॉक्टर साहब आपने ये हमें हेलमेट सूट पहनने के लिए बोला क्यों है? कोई वजह होगी यार, तभी कहा है ना। अरे डॉक्टर वो तो हमको भी समझ में आ रही है कोई वजह है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बोला। अच्छा ठीक ठीक है, आप मन बताइए तारीख जी, आप ही बता दीजिए। अभिजीत, रवि का खून इस विक्की ने किया। मतलब ये खूनी विक्की? हाँ, क्योंकि रवि के चमड़े के कुछ अंश हमें विक्की के नाखूनों में से मिले। मगर सर इस सब से हजमत सूट का क्या लेना देना? लेना देना है पूरी, लेना देना है, क्योंकि इस विक्की के शरीर पे मुझे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। रेडियो एक्टिव पता? हाँ थोड़ी कम मात्रा में, लेकिन है तो सही, इसलिए रिस्क लेना बिल्कुल ठीक है। सर मगर विक्की की मौत तो रोड एक्सीडेंट में हुई थी। जरूर इस विक्की ने मरने से पहले किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से छुआ है या उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सब है क्या? पहले वो बोर्डिंग स्कूल, फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजा की एक्सीडेंट में मौत, और अब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ। इन तीनों चीजों का आपस में कोई ना कोई संबंध है, ये तीनों चीजें किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही हैं। दो महीने पहले एक ही दिन पे आए थे स्कूल में, और ये क्या? अजय और शेखर भी ठीक उसी तारीख को नौकरी के लिए आए थे स्कूल में। साल के बीच में चार टीचर एक साथ एक ही दिन पे नौकरी पे क्यों लग गए? तो ये क्या चक्कर है? महीने पहले स्कूल के चार टीचर्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उनकी जगह पे ये चार नए टीचर्स आए हैं, जिनमें यश शेखर भी है। रवि की मौत के बाद ये राजा इस बोर्डिंग स्कूल में टीचर बन के आने वाला था। ऐसा क्या खास है इस बोर्डिंग स्कूल में? अभी तक पता नहीं लगा कि ये विक्की ने स्कूल के फोटोज अपने कमरे में क्यों रखे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्यों वो रवि सर के बदले राजा जैसे क्रिमिनल को स्कूल में टीचर बनाकर भेजना चाहता था? इतना ही नहीं, उसने तो रवि सर को भी मरवा दिया। जरूर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कांड चल रहा है, कोई अनहोनी हो जाए उससे पहले मुझे पता लगाना होगा। और ऋषभ के चंचो लोग आजकल कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रहे। और हाँ, मैंने कल देर रात को इनको स्कूल के कंपाउंड में डेल दे दिखा था। अच्छा? हाँ, रात में स्कूल में टहलना तो रूल्स के खिलाफ है ना, और अपने रूम से बाहर रहना तो फाइन तो लेनी पड़ेगी। प्लीज भैया हमें जाने दो, हमें गबर कभी नहीं करेंगे, प्रॉमिस। अरे ऐसे कैसे जाने दे, अगर गलती की है तो फाइन तो देनी पड़ेगी ना। तुम लोग हमको सारी पॉकेट मनी और टिफिन दोगे? चलो निकालो।
सब लोग का टिफिन खा जाओगे तो तुम और भी मोटे हो जाओगे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे? अभी तो तू गया बच्चे। विक्रम छोड़ मुझे, आज तो मैं इसकी नाकी फोड़ दूंगा। विक्रम छोड़, मैं बोल रहा हूँ छोड़ विक्रम, आज तुम इसकी नाकी फोड़ूंगा। अरे विक्रम कहाँ जा रहे? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अगर विक्रम का हाथ मेरे शोल्डर पे नहीं है, ये किसका हाथ है? मुकुंद सर, आप? हाँ बेटा, तो यंग मैन, प्रिंसिपल साहब ने छोटे बच्चों से फाइन लेने की ड्यूटी तुम्हें दी है। मुकुंद सर, ये हर छोटी छोटी बात पर हमसे हमारा टिफिन और पॉकेट मनी ले लेता है और हम पर दादागिरी भी करता है। बस क्या ऋषभ, वो तो मेरे छोटे भाई जैसे, सर चारों मेरे छोटे भाई जैसे। सर मैं मेरे छोटे भाई से मजाक भी नहीं कर सकता? कर सकते हो बेटा, बिल्कुल मजाक कर सकते हो, मगर ऐसा मजाक करते हुए फिर पकड़े जाओगे ना तो मुकुंद सर आपको बहुत पनिश करेंगे। सर थैंक यू मुकुंद सर, विजय और विक्रम हमेशा हम पर दादागिरी करते थे, अच्छा हुआ आज आप आ गए वरना। देखो बच्चों, तुम लोग चारों ध्यान से सुनो, मैं हमेशा हर जगह तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, तुम लोगों के हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। हैं? अगर मुकुंद सर हम तो इतने छोटे हैं, हम जय और विक्रम को कैसे मना कर सकते हैं? मुझे पता है जब आप छोटे थे स्कूल में आपके साथ कोई भी दादागिरी नहीं करता होगा। वो क्यों? क्योंकि आप इतने लंबे और ताकतवर हो। बेटा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मन में ताकत होनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, लंबा चौड़ा ताकतवर होने से कुछ नहीं होता। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? सर आपके पास ऐसी स्टील जैसी बॉडी कैसे है? मुझे भी बड़ा होकर आपकी तरह स्ट्रांग बनना है। तब तो तुम्हें बहुत सारा दूध पीना होगा और हेल्दी फूड खाना होगा, वो भी सही टाइम पर, और ये वीडियो गेम्स है ना ये कम, और आउटडोर स्पोर्ट्स ज्यादा खेलना होगा। सर कुछ ही घंटों पहले इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सर इस आदमी की हालत बिल्कुल वैसे ही है जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के सामने आने से इंसान की होती है। तो फिर हो सकता है ये आदमी विकी के साथ था जब वो रेडियो एक्टिव चीज शहर में लेकर आया था। सर हो सकता है, ये आदमी एक ट्रक ड्राइवर है। हम इस आदमी से बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? टिल्लू नाम है मेरा। टिल्लू? हाँ साहब, और ये मुझे क्या हो रहा है साहब, मुझे ये बंद बॉक्स में क्यों रखा गया है साहब? देखो टिल्लू, तुम्हें कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो तुम्हारी वजह से दूसरों को भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें ऐसे रखा गया है। कौन सी बीमारी है साहब? घर पे मेरे मेरे बेवे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना साहब? घबराओ मत टिल्लू, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं होते तुम अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी ये बीमारी उन्हें भी हो सकती है, है ना? इसे पहचानते हो? हाँ साहब, दो दिन पहले इनके लिए चेन्नई से मुंबई पार्सल लाया था साहब अपनी ट्रक में। क्या वो पार्सल इसी आदमी ने मंगवाया था तुमसे? नहीं साहब, वो किसी और ने कहा था साहब, वो फोन तोड़ रहा था और पैसे भी एडवांस में मिल गए थे। एडवांस में पैसे मिले थे? हाँ साहब, वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगे ना साहब? घबराओ मत, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके अकाउंट्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा, इसके बैंक से इसके अकाउंट के सारे डिटेल्स मंगवा लो, पता चल जाएगा इसके खाते में पैसे आए कहां से और किसने भेजे पैसे। उस रात बहुत बारिश हो रही थी, हमने पुलिस को भी बुलाया था और पुलिस ने पंचनामा भी बनाया था, उसमें यही रिपोर्ट लिखी थी कि भाई वो एक एक्सीडेंट था। और उन चार टीचर्स की जगह पे इतनी जल्दी चार नए टीचर्स भी मिल गए।
तो हमारा स्कूल हिंदुस्तान का अव्वल नंबर का बोर्डिंग स्कूल है और यहाँ पे काम करना बतौर टीचर के हर टीचर का ख्वाब होता है। शेखर का भी? अब एक्चुअली शेखर का एक बहुत स्पेशल केस था। देखिए अच्छे फिजिक्स टीचर मिलते कहाँ हैं, और एक्सीडेंट के दूसरे ही दिन शेखर ने फिजिक्स टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने खुद इंटरव्यू लिया था उसका, क्या ब्रिलियंट आदमी है। अरे टीचर नहीं, उसको साइंटिस्ट होना चाहिए, साइंटिस्ट, इतनी नॉलेज है उसके दिमाग में। और बेचारा कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त मैंने ये सोचा था कि शायद उसे काम की जरूरत होगी। उसे काम की नहीं, बस यहीं पर काम करने की बहुत जरूरत थी। ये शेखर मुझे बहुत खटक रहा है। हाँ सर, आपसे कुछ जरूरी बात करने थे। सर यहाँ स्कूल में एक फिजिक्स टीचर है। हाँ हाँ सर, शेखर नाम का सर। ये आदमी थोड़ा अजीब लगता है मुझे, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं आपको उसकी फोटो भेजता हूँ सर। ओके सर, या हाँ सर। ओह, तो मुकुल सर को शक है कि शेखर सर एक बुरे इंसान है। कुछ तो गड़बड़ है ऋषभ, और तुझे ही पता लगाना पड़ेगा कि ये चक्कर क्या है। गुड, वेरी गुड ऋषभ, यही सही मौका है शेखर सर का बैक चेक कर ले। अभी पता चल जाएगा कि मुकुंद सर का शक सही है कि नहीं। कर रहे हो तुम यहाँ पर? चोरीसी पे मेरा बैग क्यों चेक कर रहे हो? हाँ, वैसे कुछ खास पता तो नहीं चला अभी तक। जब से तुमने कहा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल, हेलो बेटा, हेलो हेलो, रेडियो एक्टिव मटेरियल शहर में लाया गया है, तब से मुझे चिंता हो रही है। हेलो, हाँ एक मिनट बच्चे, एक मिनट। ऋषभ बेटा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? अपने फेवरेट टीचर को भी नहीं बताओगे? शेखर सर, शेखर ने तुम्हें मारा? नहीं, बहुत बुरी तरह डांटा। वो क्यों? जब आप फोन पर बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात सुन ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी जासूस बन जाऊं और आपकी मदद करूं। तो तुमने क्या किया? मैं स्टाफ रूम में गया उनकी बैग चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बहुत डांटा। ऋषभ बेटा, किसी की बातें चोरी छुपे सुनना बुरी बात है, और किसी और के चीजों में ताक झांक करना उससे भी बुरी बात है। पर आप ऐसे रो क्यों रहे हो? ये करने का, अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इसका मतलब ऋषभ अनाथ है? मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है सर, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। बेटा ये रोना भी ना बंद करो, ओके? मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें अपने मम्मी पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मैं हूँ ना, हाँ? और शेखर सर, मैं ऐसे समझा दूंगा कि वो आपके साथ इस तरह से बात ना करें, ठीक है? कि आप उन्हें एक मुक्का मारोगे? हर बार लड़ाई ठीक नहीं,
प्रॉब्लम अगर बातों से सुलझाई जा सकती है तो अच्छी बात है, समझे? दया, भूल मत जाना कि तुम इस वक्त एक अंडरकवर ऑफिसर हो, एक खुफिया मिशन पर हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो कौन। शेखर सर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। बिजी हो? वो तो मैं देख रहा हूं, मगर आपने गलती की है। कैसी गलती? आपने एक अनाथ बच्चे को डांटा है। अनाथ बच्चा? ऋषभ, ऋषभ को। देखिए, ऋषभ ने गलती की थी इसलिए मैंने उसे डांटा था, और वो गलती आपने करवाई है। मैंने उससे गलती करवाई? जी हाँ, एक छोटे बच्चे से इस उम्र में ताजा करने को कहना, उसे जासूसी करने को कहना, ये गलत नहीं तो और क्या है? बात क्या है मिस्टर शेखर? ऋषभ मेरा बैग चेक कर रहा था, पता है आपको? क्या मुगुन सर, आपने ऋषभ को शेखर सर का बैग चेक करने को कहा था? शेखर सर कोई चोर है क्या? अरे कल ही आपने यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया और आते ही ये क्या कर रहे हैं? अरे ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऋषभ को शेखर जी का बैग चेक करवाने के लिए नहीं कहा था। एक तो मासूम बच्चे को आपने डांटा, वो ऊपर से इल्जाम लगा रहे मुझ पे आप। देखिए मिस्टर मुकुंद, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, और आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। बेटा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू कोई टीचर वीचर नहीं है। अब तो देख कैसे मैं हर वक्त तुझ पर नजर रखता हूँ। बस एक गलती करोगे और तुम्हारा खेल खत्म। शेखर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, भविष्य में बच्चों को डांटना नहीं, वरना क्लास लेना मुझे भी आता है। मुझे लगता है हमें प्रिंसिपल सर को इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। सर, उस ट्रक ड्राइवर का बैंक अकाउंट चेक किया हमने, उसके अकाउंट में जिसने भी पैसे डाले थे उसका पता चल गया। ये वही आदमी है जिसने रेडियो एक्टिव चीज चेन्नई से मुंबई लाई थी। किसका अकाउंट? फर्जी अकाउंट है सर, विदेशी है। विदेशी अकाउंट? हाँ सर, सर इस विदेशी अकाउंट से 5 करोड़ रुपए बिल्ला के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। बिल्ला वो कॉन्टैक्ट किलर है ना कोई? हाँ सर। इस वक्त तो तुम्हारे मुकुंद सर भी आ नहीं है तुम बचाने के लिए, अब क्या करोगे ऋषभ? अरे मुकुंद सर इसके क्लास टीचर ही नहीं, इसके तो पापा जैसे ही है। मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, क्या ड्रामा चल रहा था बच्चे और उनके नए पापा के बीच। हाँ, तुमने सही कहा, सिर्फ मुकुंद सर ही नहीं, स्कूल के सारे टीचर मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, क्योंकि मैं उन्हें प्यार करता हूँ और वो मुझे। चुप करो अपनी बकवास, कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ओ, डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों की कंप्लेंट मेरे स्कूल वाले मम्मी पापा से कर दी ना, तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा जो ऐसे बहुत दूर रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे मम्मी पापा तुम दोनों को क्लास के बाहर मुर्गा बना देंगे। अबे इतना सोच काहे को रहा है? आरना रानी, कर गेम ओवर, उसके बाद तो जश्न मनेगा यहाँ। जश्न जरूर मनाया जाएगा, मगर यहाँ नहीं, कहीं और। अबे तेरा बाप सीआईडी। सीआईडी?
पतली गली से भागना बेकार है बच्चू, चल। बिल्ला कौन है तुम में से? कौन है बिल्ला? बिल्ला को पकड़ना इतना आसान नहीं, वो तुम्हारी आंखों के सामने छू मंतर हो गया। कहाँ है बिल्ला? नहीं बोलूंगा, बोलने तो मार दूंगा। बताता हूँ, उसे ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल से किसी को किडनैप का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो अभी भी अपने चार आदमी के साथ यहाँ से निकला है। इसका मतलब बिल्ला अपने साथियों के साथ ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल गया है, तेरा वहां पे अकेला है, हमें फौरन जाना होगा। ऋषभ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, तुम उन बच्चों से डरे नहीं हा? और निडर होकर उनका सामना किया। आई एम प्राउड ऑफ यू, आप ऐसे ही हमेशा निडर रहना हु? और बच्चों, प्रॉमिस करो कि अन्याय का डट कर सामना करोगे। गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। और आज हम इस क्लास में कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम इस क्लास में गेम खेलेंगे। एक मिनट, शांत हो जाओ। आप क्या, बिल्ला को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस बोर्डिंग स्कूल से किसी को किडनैप करने के लिए, लेकिन किसे? चार गुंडे भेजे गए, अभिजीत ने कहा कि वो गुंडे यहां पर आ रहे हैं, मुझे इन बच्चों को किसी भी हाल में बचाना होगा। ऋषभ बेटा यहां आ जाओ, ऋषभ हमारे क्लास का मॉनिटर है हा? तो अब बच्चों आप लोग बेंच के नीचे छुप जाओ हा? ये हमारा गेम है, आराम से सुन दो, और जब तक मैं ना कहूं या कोई टीचर जिसे आप जानते हैं वो आके ना कहें बेंच से बाहर निकलने के लिए, सब अंदर ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। ओके सर। गुड, एंड द गेम स्टार्ट नाउ। वो बहुत ही बदतमीज इंसान है मिस्टर मुकुंद। उन्होंने ऋषभ को शेखर सर पर जासूसी करने के लिए कहा। जासूसी? और तो और, उनकी गैर हाजिरी में उनकी बैग की तलाशी लेने के लिए भी कहा। बैग तलाश कर, माफ करना, ये दरवाजा अंदर से बंद करना, बाहर मच्छरों के लिए धुआं छोड़ रहे हैं, बच्चों को तकलीफ होगी। थैंक यू। चलो शेखर सर से ही पूछते हैं, चलो। कोई शोर नहीं मचाएगा वरना तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी, और किसी को मुंह पर उंगली रखने के लिए नहीं कहूंगा, मेरे खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक्सक्यूज मी, लगता है कि आप गलत एड्रेस पे आ गए। एक्चुअली ये बच्चे लोग का स्कूल है, स्कूल हा? बैंक तो बाजू में है, बाजू में। हमें सब पता है। वो ये दरवाजा अंदर से बंद करना, ये धुआं छोड़ रहे मच्छरों के लिए, बच्चों को तकलीफ हो, है ना? थैंक यू। ए तुम, चलो इधर आओ जल्दी। अगर तुम चाहती हो कि तुम सब जिंदा रहो तो चुपचाप जाओ, D3 के ऋषभ नाम के लड़के को तुरंत यहां लेकर आओ, फटाफट। और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, मैं उड़ा दे उसे। मैंने सब क्लासरूम के टीचर्स को क्लासरूम के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए कह दिया। हाँ, मैं भी अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ जल्दी पहुंचो, इस बिल्ला को दबोच कर ही रहेंगे इस बार।
निशा मैम, आप ऋषभ को कहाँ लेके जा रही? मुकुल सर, निशा मैम को बोलिए ना, हम तो बस एक गेम खेल रहे थे, ये मुझे जबरदस्ती प्रिंसिपल सर के पास लेके जा रही है। निशा मैडम, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, बस प्रिंसिपल सर के कैबिन में ले जा रहे हो ऋषभ को, उनको कुछ बात करनी है। ये आपको पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? वहीं रुक जाइए, मुझे जाने दीजिए। ये गन आपके पास कहाँ से आई? I'm sorry मुकुंद सर, पर कुछ खतरनाक गुंडे प्रिंसिपल के कैबिन में घुसे हैं और उन्होंने कहा है अगर मेरी शेफ को लेकर वहां नहीं पहुंची तो सभी टीचर को मार डालेंगे। निशा जी, मेरी बात सुनिए, ये गन मुझे दीजिए, ये गन मुझे दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मुझे मजबूर है आप पर गोली चलानी पड़ेगी। आप गन याद दीजिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.